कंगना रनौत का इसराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर ट्रोलर्स पर पलटवार। ट्रोलर्स पर आया कंगना को इतना गुस्सा कि उन्होंने कह दिया कि आगे से औकात में रहकर बात करना। कंगना रनौत सोशल मीडिया पर अक्सर अपना मत रखती है। वेरी रिसेंटली उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसके बाद उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया गया। अब कंगना उन ट्रोलर्स पर निशाना साध रही है जो इसराइल को लेकर उनके नॉलेज को क्वेश्चन कर रहे हैं, उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। वो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही लड़ाई को लेकर अपनी राय सोशल मीडिया के जरिए दे रही है। अब कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इसराइल को लेकर ट्रोलर्स पर निशाना साधा है। कंगना ने एक वीडियो शेयर किया है जिसके जरिए वो बता रही है कि इसराइल और फिलिस्तीन विवाद दशकों पुराना है। अगले स्टोरी में उन्होंने कहा कि वो सभी पिताओं की माँ है। कंगना ने नोट में लिखा है, आप सभी वीडियो में देख सकते हैं कि जब इसराइल बना है वो गलत तरीके से नहीं बना है। उन्होंने इसे ब्रिटिश से स्वतंत्रता पाई है और उन्हें यूनाइटेड नेशन की मदद से बसाया गया है। 6 मुस्लिम देशों ने उन पर आक्रमण किया। इसके बाद हर बार जब उन पर आक्रमण किया गया है वो अधिक जमीन कब्जा कर लेता है, क्योंकि जब आप जंग जीतते हैं तो यही करते हैं। जो लोग रो रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानती, तो बेटा मैं सभी पिताओं की माँ हूँ, आगे से औकात में रहकर बात करना। अगले नोट में कंगना ने लिखा, ऐसे कैसे हो सकता है कि चित भी आपकी पट भी आपकी, आप लोगों ने इसराइल को अवैध कैसे कहा? क्या इस विश्व में उनका स्थान नहीं है? बेवकूफ बनाकर रखा है सारी दुनिया को, गुंडागर्दी करना चाहते हैं, लेकिन जब सामने से कोई और करे तो रो रो के छाती पीटना, सारी दुनिया सर पर उठा लेना, बिकाऊ मीडिया और बेवकूफ लोगों को यूज करके गलत नैरेटिव चलाना। शर्म कर लो, तुम्हारी पोल सारी दुनिया में खुल गई है और मेरे बारे में कुछ बोलोगे तो नंगा कर दूंगी। कंगना ने ट्रोलर्स को अपने इन दो नोट्स के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस पर आपके क्या रिएक्शंस हैं? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। नमस्ते दोस्तों, आज बहुत सारे त्योहार हैं, ईद मुबारक, अक्षय तृतीया की बहुत शुभकामनाएं, परशुराम जयंती की बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, हम देख रहे हैं कि दुनिया बहुत सारी चीजों से जूझ रही है, चाहे वो कोरोना हो या देश आपस में लड़ रहे हो। मुझे लगता है कि अच्छे वक्त में संयम नहीं खोना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। तो हमें क्या सीख मिल रही है, हम क्या सीख पा रहे हैं? अब देख इसराइल का एग्जाम्पल ले लीजिए, मात्र कुछ लाख लोग हैं उस देश में, लेकिन हमने जैसे पिछले कई सालों में देखा, अगर 6-7 देश भी एक साथ अटैक कर देते हैं उनपे, सबको एक एक को लोहे के चने चबा देते हैं वो। अब भी जिस कॉम्पिटेंस से वो टेररिज्म का मुकाबला कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन के रह गया है। ऐसा क्या है उस देश में? सबसे पहले तो कोई ऑपोजिशन वहां भी है खड़े होकर ये नहीं कह रही युद्ध के बीच में कि कहां तुमने स्ट्राइक की, हम तो नहीं मानते, उनका कौन से लीडर को मार दिया आतंकियों के, हम तो नहीं मानते। इस तरह की गंदगी कोई वहां नहीं डाल रहा है। ये हम लोगों को देखना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। इस देश पे या तो कोई आपत्ति आए, चाहे युद्ध आए, चाहे महामारी, कुछ भी आए, कुछ लोग होते हैं कि जो जैसे बंदर मदारी का तमाशा देखते वैसे साइड में खड़े हो जाते हैं और बस उम्मीद करते हैं कि ये देश खत्म हो, गिरे और वो इस चीज का तमाशा देखें और मजे उठाएं। अब जैसे हमने कोरोना काल में ही देखा, एक एल्डरली लेडी सड़क पे बैठी, ऑक्सीजन उस पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस इमेज को भुनाया गया और पता चला वो इमेज कोरोना काल की है भी नहीं। अभी कल पता चला कि एक जो तस्वीरें हैं जहां गंगा में लाशें तैर रही हैं वो वायरल हो रही हैं, लेकिन वो पता चल रहा है तस्वीरें नाइजीरिया की है। ये सब यहां के लोग, हमारी पीठ में छुरा यहां के, वो किसी जाति या धर्म विशेष के नहीं है, वो कैरेक्टर हर जगह पाए जाते हैं। तो क्यों हम भारतीयों में घुसपैठियों को मिलाकर ऑलमोस्ट 150 करोड़ हो चुके हैं, फिर भी बहुत कम लोग काम किए, ऐसा क्यों है? क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए, इसके लिए कुछ स्टेप्स नहीं लेने चाहिए क्या? मैं भारत सरकार से ये विनती करती हूं कि प्लीज इसराइल की तरह आर्मी में सर्व करना हर एक स्टूडेंट के लिए कंपल्सरी कर दीजिए। हम भी करना चाहते हैं, हम भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो है, जिन जिन किताबों में, जिस जिस धर्म के किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि उस धर्म के ही लोग तुम्हारे अपने हैं, वही इंसान है, बाकी गाजर मूलियां हैं, उसको निकालिए उन किताबों में से। चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, सिख हैं, ईसाई, कुछ भी हैं आप लोगों के लिए सर्वोपरि धर्म होना चाहिए भारतीयता का। हमारा आपका जो संबंध है इस देश के नागरिकों का, वो सर्वोपरि होना चाहिए। इंसानियत का नाता सर्वोपरि होना चाहिए। किसी किताब में ये लिखी हुई बात के आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, बस एक दूसरे के जो धर्म एक ही धर्म का होता है वही मान, वो बात झूठ है, उसको मत मानिए आप। हम भारतीय एक दूसरे के लिए मायने रखते हैं और हम साथ में जब आगे बढ़ेंगे तब हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हम सब आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद।